अभी अमाउंट आ रहा है सर करीब 45 लाख रुपए का होल्ड है, स्टॉप लगा है। लॉर्ड सर बैंक ने उसमें क्लियरली मेंशन किया है 45 लाख का लीन लगा हुआ है होल्ड, और यहाँ पे सर मैंने हाईलाइट भी किया है और उनके पास और भी सिटी से कंप्लेंट आई है, ये बैंक ने खुद इसमें मेंशन किया हुआ है। एक अकाउंट से इनके अकाउंट्स में 40,305 रुपए गए और उसके बाद तुरंत ही सर 1,20,000 रुपए विड्रॉल हुआ है, और वो हुए सर IMPS से। IMPS का जो ID पासवर्ड होता है वो जो अकाउंट होल्डर होता है उसके पास होता है, प्लस उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेजेस भी आता है जब भी अमाउंट विड्रॉल होता है या डेबिट होता है। ये बताइए आपने इनको कैसे कनेक्ट किया हुआ है? हेलो, ये तो इनका वो रिप्लाई जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाया था कि वो मैंने अपना स्टॉक का जी बाबू जी एक तो इसमें लिखा वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम यू। हाँ, ये इन्होंने कहा था कि हमने तो लेटर दिया कि हम बैंक को, तो वो ये फोर्जरी नहीं इनकी ये और है, इन्होंने कोई आपकी बोनाफाइड है या आप शो करना चाह रहे थे कि हमने मेरे अकाउंट में अचानक पैसे आ गए और मैंने लेटर दे दिया कि भाई पास है, बैंक बोल रहा है ऐसा कोई लेटर नहीं, तो ये हमने उसको रजिस्ट्री है हमारी पहले तो बैंक अब हमने हम देने नहीं गए, मैं तो डायरेक्ट आप उनको देना पड़ता है, रजिस्ट्री का बैंक से कोई कंसर्न नहीं होता कि आप कोई भी व्यक्ति, फिर तो कोई थर्ड पर्सन आकर के एप्लीकेशन डाल दे बैंक में कि हमारा वो बैंक अकाउंट स्टॉप कर दो, ये बैंक को कैसे पता होगा कि व्यक्ति आप। दूसरा इनका ये माय लॉर्ड कि इनके खाते में पैसे ये इसी कंप्लेनेंट के गए हैं और लोगों के भी, ये ऐसा नहीं है कि इनका एक ही है, इनका ट्रांजैक्शन लाखों में और लोगों के भी पैसे आए, बैंक ने करीब कितने पैसे का स्टॉप लगाया है? सर बैंक ने उसमें क्लियरली मेंशन किया है 45 लाख का लीन लगा हुआ है होल्ड, और यहाँ पे सर मैंने हाईलाइट भी किया है और उनके पास और भी सिटीज से कंप्लेंट आई है, ये बैंक ने खुद इसमें मेंशन किया हुआ है। एक और नीचे सर हाईलाइट टोटल अमाउंट 45,37,345 लाख करोड़ में है क्या ये? इनके में सर काफ़ी सारा अमाउंट्स आया है जहाँ पे और भी गोरेगांव पुलिस गोरेगांव से भी उनके पास शिकायत आई थी जिसके संबंध में सर इसको होल्ड किया हुआ है अकाउंट। इसमें ये भी लिखा है कि यश इंदर वाज कॉन्टेक्टेड on his registered mobile number to come down to branch on many occasions, on many times for the illegal transaction from his account, but he did not give any application. He visited many times but he did not give any application. अब साहब इसमें देखें कि 22 इन्होंने बताया कि जो पैसा आया है वो 21 नवंबर 2022 को गलत, जो बैंक का लेटर है कि 21 नवंबर 2022 को आपके खाते में ये पैसा दिया गया जो प्रेजेंट केस से रिलेटेड है, और वो कह रहे हैं कि रॉन्गली ये मैं पढ़ देता हूँ, वी ऑब्जर्व दैट देयर हैज बीन ए क्रेडिट ऑफ ₹2,50,000 टू योर अबव करेंट अकाउंट, बी affirm that this amount was created wrongly to your account electronically on 21 नवंबर 2022। ये जो पैसा हमारे खाते में आया वो 21 नवंबर 2022 को आया, बैंक ने हमको लेटर जो इशू किया और हमारी कंसेंट मांगी वो 16 जनवरी 2023 तो हमको बैंक ने दिया लेटर, तब हमने उसके क्लोजर एप्लीकेशन जो हमने फाइल की वो 30/1/2023 को की। अगर ये पैसा हमारी जानकारी में आया और हमारा इसमें वो होता तो हम विड्रॉ करते पैसा, हमने विड्रॉ तो नहीं किया, कितना लॉन्ग पीरियड हो गया। इस प्रेजेंट केस की मैं बता रहा हूँ कि ये देख लें सर, क्या ना तो पैसा हमने विड्रॉ किया और जबकि जो हमारे खाते में आया वो 21 नवंबर 2022 को आ गया खाते में, ये बैंक का लेटर लगा हुआ है।
और इन्होंने हमको लेटर जो जारी किया वो किया 16 जनवरी 2023 को, और 30 जनवरी 2023 को मैंने कि मेरा खाता लॉक कर दिया जाए। आपका कोई ऐसा लेटर नहीं गया ना वहाँ? नहीं, तो ये तो श्रीमान देखें कि ना तो मैंने पैसा विड्रॉ किया नवंबर 2022 को। आप जाते हैं, आप गए कई बार विजिट किया, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आपसे संपर्क किया गया, लेकिन आपने रजिस्ट्री डाल दी एक नहीं तो ये बताइए आपका और क्या। ये जो बैंक ने लेटर दिया हमको वो 16 जनवरी 2023 को दिया। ऑनरेबल सर, इसमें सर पेज नंबर 8 पर फरियादी के अकाउंट से इनके अकाउंट में 40,305 रुपए गए, और उसके बाद तुरंत ही सर 1,20,000 रुपए विदड्रॉल हो गए, और वो हुए सर IMPS के। IMPS सर का जो ID पासवर्ड होता है वो जो अकाउंट होल्डर होता है उसके पास होता है, प्लस उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेजेस भी आता है जब भी अमाउंट विदड्रॉल होता है या डेबिट होता है। अब अगर पैसा आ सकता है अपने, बट सर विदड्रॉल तो नहीं होगा, विदड्रॉल तो जब आप चाहेंगे तभी होगा, तो जानबूझकर उस पैसे को तुरंत दूसरे अकाउंट में विदड्रॉल किया गया। तो कहीं ना कहीं सर ये सब जो भी था प्लान्ड था, ठीक है, अमाउंट आ रहा है। बैंक ने भी सर क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपको अपना अकाउंट क्लोज कराना है तो उसके लिए प्रोसीजर के आपको बैंक आना पड़ेगा, अपना आईडी कार्ड वगैरह सब दिखाना पड़ेगा। रजिस्ट्री मात्र से तो कोई भी कल भेज देगा, बैंक उस बयाप पे उसको बंद नहीं करेगा, उस पर आपके साइन होंगे, एक फॉर्मेट रहता है, तब वो उस अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब कोई साहब लीगल प्रोसेस नहीं चल पाया तो उसको ये तो नहीं है कि जेल में रखा जाएगा, उसकी बोनाफाइड मिस्टेक तो मानी जाएगी। अमाउंट आ रहा है सर करीब 45 लाख रुपए का होल्ड है, अमाउंट आया है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेजेस भी आते हैं कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट आया है। अगर रॉन्गली डेबिट हुआ था, अगर इनको लग रहा था अमाउंट, तो उनके द्वारा कोई पुलिस कंप्लेंट की जाती कि मेरा अकाउंट जो है इसमें अमाउंट आ रहा है, वो भी कहीं नहीं की गई है। नहीं, इस संबंध में आपने जाँच की? हमने बैंक से लिया है, उसने नहीं, नहीं ये इन्होंने दिया है कि नहीं पुलिस में। सर अभी सर इसमें इन्वेस्टिगेशन सर अभी तो सवाल ही नहीं है, ये सारा प्राइमा पे सही आपके खिलाफ है सारा है। मेरा सबमिशन ये है मालूम है, अभी चार्जशीट जब तक ना आ जाए तब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन। आप लिबर्टी चाहते हैं तो ठीक है, फिर लिबर्टी टू फाइल आपको चार्जशीट विड्रॉ ये डायरी में लगा लीजिए आप, फिर अगली बार जब लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।